हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। स्वागत है आप सभी लोगों का टेक्स्ट बुक के इस सेशन में। ये वो सेशन होता है जिसमें हम आप लोगों को उन टॉपर्स से मिलाते हैं कि आप जो यूजीसी नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और उन्हीं एग्जाम्स में ये टॉपर रहे हैं। तो आज का सेशन जो है इसमें हमारे जो टॉपर्स हैं उनका नाम है साक्षी, और साक्षी से सुनेंगे, साक्षी की स्टोरी जानेंगे कि कैसे उन्होंने मेहनत की, क्या क्या उन्होंने पढ़ा। वो फॉर्मूला हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जिस फॉर्मूले के तहत वो जेआरएफ तक पहुंची है, जिससे कि आप सब लोग भी उस फॉर्मूले को फॉलो करें और फिर आप भी जेआरएफ तक पहुंचे। अगर आप नए हैं ना इस फील्ड, इस वीडियो में, और आप पहली बार देख रहे हैं, तो एक काम जरूर कर लीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यही वो सेशन होते हैं जहां पर कि आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते हैं। तो साक्षी से मैं सबसे पहले तो साक्षी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप जेआरएफ लेकर के आए हैं। थैंक यू सो मच सर। साक्षी, अब मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपना इंट्रोड्यूस कराएं, अपने आप को इंट्रोडक्शन कराएं कि आप किस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आती हैं, कहाँ की रहने वाली हैं, कहाँ से आपने अपनी पढ़ाई की है। जी सर। यस, सर, मेरा नाम साक्षी बंसोड़ है और मैं बालाघाट डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैंने यूजी पीजी बाकी जो अपना पढ़ाई है वो इंदौर से किया हुआ है। और सर, मैं मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ही हूँ। यस, इसके पहले मैंने और भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन की थी सर, देन उसके बाद में मैंने सेट, यूजीसी, ये सारे एग्जाम्स दिए हैं सर। तो अभी आपने क्या क्वालिफाई किया है साक्षी? सर, अभी मैंने यूजीसी नेट जून 2024 जेआरएफ क्वालिफाई किया है सर। जेआरएफ क्वालिफाई किया, वेरी गुड। तो साक्षी, आपने कब ये सोचा कि यार मुझे यूजीसी नेट की तैयारी करनी चाहिए? कब आपके मन में आया और क्यों? सर, मैंने लास्ट ईयर ही सोचा था, बिकॉज इसके पहले मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, तो उसमें मेरा दो अटेम्प्ट देने के बाद में भी नहीं हुआ था, तो उसके बाद मैंने यूपीएससी क्विट कर दिया सर। तो मेरे मन में हमेशा से यही था सर कि एक ये बड़ा एग्जाम नहीं सही तो कोई और नेक्स्ट, कोई तो अच्छा नेशनल लेवल का एग्जाम होगा, वो मुझे किसी भी हाँ, हालत में क्रैक करना है सर। यस, देन मैंने डेफिनेटली। सोचा लास्ट दिसंबर या उसके बाद में कि मुझे यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है सर। और आपका जेआरएफ होगा, तो क्या आप पहले से जानती थी अपने तैयारी के दौरान कि अरे मेरा तो जेआरएफ ही होगा, एकदम बेफिक्र? नहीं, सर, नेट हो जाएगा इतना मुझे लग रहा था कि मेरी प्रिपरेशन इसके पहले एक्चुअली सेट की भी मैंने की थी, तो हाँ, मुझे नेट हो जाएगा ऐसा लग रहा था, बट जेआरएफ फर्स्ट टाइम में ही हो जाएगा ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं ऐसा किया नहीं था सर। सोचा था। वेरी गुड। तो साक्षी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार काफी समय से तैयारी करते हैं, और उन लोगों का मतलब कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट होते हैं और वही सोर्स पढ़ करके, कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो एक तो मैं, ऐसे बच्चों के लिए आपकी क्या सजेशन रहेगा, क्या सजेस्ट करना चाहेंगी वो, और दूसरा कौन कौन से सोर्स आपने पर्टिकुलरली फॉलो किए हैं? तो सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि उस सवाल का जवाब आप पहले दें कि कौन कौन से सोर्सेज आपने फॉलो किए हैं अपने तैयारी के दौरान। सर, मैंने फर्स्टली तो जब सेट के लिए प्रिपेयर किया था सर, तभी से लास्ट ईयर अगस्त है सर, उस तभी से मैंने आपके वीडियोस रिफर किए हैं सर। उसके बाद मैंने जनवरी से जब यूजीसी की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो फिर टेक्स्ट बुक पे सब्सक्रिप्शन भी लिया सर, साथ में इग्नू के नोट्स और कुछ बुक्स रिफर की थी सर। अच्छा, वेरी गुड। तो आपने, आप टेक्स्ट बुक वीडियोस तक का कैसे पहुंची? सर, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो उस समय पे मुझे ये आइडिया था कि हाँ, सोशियोलॉजी में ये टॉपिक्स यूजीसी नेट में आने वाले हैं, तो सिलेबस मैंने सबसे पहले तो प्रिंट कराया सर। उसके बाद हाँ, मैंने यूट्यूब में देखना शुरू किया कि कौन, मतलब इस पे लेक्चर कहाँ पे अवेलेबल होंगे, कौन बेस्ट पढ़ा रहा है सर, कहाँ किसका कंटेंट अच्छा है। सर्च करने के बाद में मुझे पता चला कि टेक्स्ट बुक पे सर आपके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे कुछ फ्री लेक्चर्स भी थे सर, उनको देख के लगा कि ये क्वालिटी लेक्चर्स हैं और इनसे मेरा टाइम भी बचेगा सर और साथ ही साथ में टाइमली प्रिपरेशन हो जाएगी। देन मैंने यूट्यूब के बाद में सब्सक्रिप्शन लेने का सोचा सर, और रेगुलरली फिर आपके वीडियोस मैंने पेड क्लासेस के थ्रू अटेंड किए हैं। रेगुलरली आपने डेली क्लासेस अटेंड की? हाँ सर, डेली कभी कभी जब नहीं हो पाता था क्योंकि मैं उस टाइम पे दूसरे एग्जाम की भी प्रिपरेशन करती थी, तो
मैं रिकॉर्डिंग देख लिया करती थी सर। कितने घंटे पढ़ती थी आप यूजीसी नेट के लिए? यूजीसी नेट के लिए सर 7 to 8 hours सेवन पर टू डे। एट आवर्स आप देती थी पर डे यस सर, रेगुलरली कंसिस्टेंटली? यस सर। पेपर 1 पेपर 2 के लिए टाइम डिवाइड किया हुआ था सर, कि पेपर 1 को 1.5 2 hours देने हैं, बाकी के जो बचेंगे वो सोशियोलॉजी के लिए देने हैं। फिर उसमें भी डिवाइड किया था कि मुझे जो टॉपिक नहीं आते उनको इस टाइम पे करना है, आपके लेक्चर इस टाइम पे करना है। यस ग्रेट। तो ये आपको कैसे पता चलता था कि यार मुझे ये टॉपिक्स जो है टफ लगते हैं, ये टॉपिक्स मुझे नहीं आते, ये कमी जो है वो आपने कैसे पता किया? सर PYQs जो आते हैं, मतलब पहले जो यूजीसी नेट में सोशियोलॉजी के लिए जो क्वेश्चन पूछ चुके हैं हाँ उनको मैंने सॉल्व करना शुरू किया सर। मतलब मेरा ऐसा था कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले ही मुझे पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ और मेरी वीकनेस कहाँ पर है यस सर, और राइट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही मुझे आइडिया लग पाया कि मुझे ये टॉपिक्स नहीं आते हैं। और जनरली मैंने फिर उन टॉपिक्स को सर्च करते गई, उन पे कंटेंट इकट्ठा किया, आपके लेक्चर्स अटेंड किए, तो पता चला कि क्वेश्चन सॉल्व करने के थ्रू ही मैं सॉल्व कर पा रही हूँ सर इस प्रॉब्लम को। ओके। तो साक्षी आप ऐसे स्टूडेंट्स जो लगातार कुछ समय से नेट भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है जिनका, तो उनके लिए आप क्या क्या सजेशन रहेगा कि क्या अपनी तैयारी में ऐसा चेंज लाना चाहिए या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान देने चाहिए जिससे कि उनका भी जीआरएफ हो? सर अगर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है तो सर मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि अगर उसे कुछ भी आइडिया नहीं है इस फील्ड में या यूजीसी नेट में, तो सबसे पहले तो सर यूट्यूब पे आपके लेक्चर्स देख सकते हैं सर, और टेक्स्ट बुक पे सब्सक्रिप्शन लेके पेड लेक्चर तो बेटर है सर, वहां से वो स्टार्ट कर सकते हैं सर। आइडिया भी मिल जाता है सर कि क्या सोर्सेज रिफर करने हैं, कहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, कहाँ पे अपना टाइम देना है सर। और सर अगर जिसका कंटिन्यूअसली शायद फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है सर, तो अपनी जो प्रीवियस मिस्टेक्स हैं सर उनको देखना है सर, और बिल्कुल, सिलेबस प्लस PYQ पे स्टिक करना है सर। मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करो, उसमें जो यूनिट से आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं उनको अच्छी तरह से नोट कीजिए और सबसे पहले उन यूनिट्स को तैयार कीजिए जैसा कि साक्षी ने भी किया है ना जी सर, साक्षी? यही जी सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपनी कमियों को दूर करते चलिए और फिर देखिए कि आपका 100% जेआरएफ आता है। तो साक्षी आज की डेट में हम लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब भी हम लोग अपना लक्ष्य बनाते हैं और उस पर फोकस करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट भी करने की कोशिश करती हैं, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि यार जो हमारा फोकस है उससे ज्यादा पावरफुल डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो ये सारी चीजों से आप कैसे बचती थी? सर पर्टिकुलरली तो ये है कि जब अपने माइंड में अपना गोल क्लियर होता है सर कि हाँ मुझे इतने महीने में ये एग्जाम क्रैक करना है, इसका इतना सिलेबस है मेरे पास में, एग्जैक्टली इतना टाइम बचा हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही सर डिसाइड कीजिए कि आपको कितने टाइम में कितना सिलेबस कंप्लीट करना है पर डे, आपका उसके लिए क्या टारगेट होना चाहिए सर, वो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सर। क्योंकि अगर उसमें कंफ्यूजन है कि मुझे ये एग्जाम देनी है, मुझे वो एग्जाम देनी है, मैं अभी ये पढ़ लूँ ये पढ़ लूँ, तो उसमें नहीं हो पाता सर ये डिस्ट्रेक्शन। अभी तो मेजरली मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे एस्पायरेंट्स फेस करते हैं, बिकॉज कंपटीशन इतना सारा हो गया है कि ऐसा लगता है कहीं तो हो जाए मेरा। तो कहीं तो हो पहले जाए। तो अपना गोल क्लियर होना चाहिए सर कि मुझे कौन सा एग्जाम फर्स्ट में ही क्लियर करना है, प्रायोरिटी डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। बहुत इंपॉर्टेंट है राइट। उसके बाद सर डेली जो टारगेट्स बना रहे हैं सर, या वीकली टारगेट्स बना रहे हैं उनका पूरा करना, कि प्लानिंग एक रफली भी हो सकती है सर लेकिन रूथलेस एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। कि मैंने अगर डिसाइड किया है कि मुझे ये करना है, मतलब उस दिन वो करना ही है, और पर्टिकुलरली कुछ आवर्स देना जरूरी है सर, क्योंकि अब जैसे सोशल मीडिया वगैरह आ जाता है सर, तो उसमें मैं ही नहीं, मतलब ऑलमोस्ट सारे लोग ही ये डिस्ट्रैक्शन फेस करते होंगे, तो कुछ घंटे जो हमने डिसाइड किए हैं कि हमें इस टाइम पे पढ़ना है, मीन्स पढ़ना ही, आपका फोन ऑफ रहना चाहिए या आपकी जितनी भी चीजें हैं वो भी ऑफ होनी चाहिए, यस अदरवाइज ये होता है कि थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं उसी में 2 घंटा 3 घंटा निकल जाता है सर। तो स्टूडेंट्स देखिए आपको मैंने पहले भी ये चीज बताई थी कि टाइम टेबल बनाइए कि आप कितने महीने में अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डेली शेड्यूल भी बनाइए। जब आप डेली शेड्यूल बनाते हैं तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जो घोड़े घोड़ा होता है वो चारों तरफ उसको दिखता है तो वो सीधे सीधे नहीं चल पाता है, उसका फोकस यहां वहां हो जाता है, इसलिए उसकी आंखों के सामने एक ऐसे चीजें लगाई जाती हैं जिससे कि उसको सीधा सीधा दिखे। तो स्टूडेंट्स इसलिए आपसे कहा जाता है कि हमेशा अपने एम को ना अपने सामने रखिए, वो आपको कहीं भटकने नहीं देगा। डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे बेस्ट तरीका
यही है। अच्छा साक्षी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि इस बार जैसे क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा थे, तो आपने उन क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस को कैसे याद रखा? सर बुक्स की क्रोनोलॉजी की जो भी ट्रिक्स थी सर, जैसे आपने कुछ आपके पेड लेक्चर से मैंने देखा था, जिस तरीके से आपने उसमें याद करवाया सर कि कुछ ट्रिक्स बन जाती है तो माइंड में ऑटोमेटिकली वो याद हो जाता है सर, क्योंकि एक्चुअली में जो रोट मेमोराइजेशन होता है कभी कभी वो पॉसिबल नहीं होता, रैंडम बुक्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो या तो सर ट्रिक्स से कर सकते हैं या फिर जो भी डेली हम रिविजन कर रहे हैं सर, जैसे मेरा ये होता था कि कल जो भी चीज मैंने पढ़ी है आज उसको सुबह उठ के मुझे मतलब रिवाइज बिना कुछ करना, देखे रिवाइज करना है सर, मुझे अगर वो याद आ रहा है तो इट मीन्स वो मुझे याद है, और मुझे याद नहीं आ रहा है तो मुझे उसको दोबारा पढ़ना है सर, दोबारा फिर से पढ़ना। दोबारा पढ़ना है, तो वो ऑटोमेटिकली फिर हर दिन याद आता है कि हाँ मुझे ये याद करना है, ये याद करना है। और मान लीजिए जैसे आपको लगता है कि यार 2-4 दिन में आप कोई चीज भूल जा रही हैं, तो उसके लिए क्या करती हैं? सर मेरा तो वैसे डेली रिवीजन होता था, बट इसके लिए वीकली रिवीजन भी कर सकते हैं सर, या फिर यूनिट वाइज रिवीजन तो बेस्ट है सर, कि उसमें आपको क्लियरली भी पता चल जाता है कि आपकी कितनी यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, कितनी बची हैं, कितनी यूनिट्स को कुछ हो सकता है कम टाइम लगना हो, कुछ को ज्यादा टाइम लगना हो, अप्रोप्रिएटली उससे बिल्कुल मैनेज सही। हो जाता है। तो डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन, यस यही फॉर्मूला है स्टूडेंट सक्सेस का। तो साक्षी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो कौन सी 3 चीज हैं जिसको आज जो आपको सक्सेस मिली है, आप उसके लिए कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे कि यार ये 3 चीजें हैं जो मुझे सपोर्ट करती हैं और इसके कारण मेरा JRF। सबसे पहले तो सर कि जो प्लान बनाया है सर उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करना सर, जो भी डिसाइड किया हुआ है ऐसे प्लान नहीं बनाना डिटर्मिनेशन, कि बिल्कुल एकदम हो नहीं पाएगा और बना लिया है बस, अब टाइम टेबल के तौर पे बस लिख लिया है, ऐसे प्लान नहीं बनाने, मतलब थोड़ा मतलब कोई काम रिलैक्स। बनाने के लिए नहीं करना कि यार कर दिया है ना, उसको पूरी तरह से फॉलो करना, शिद्दत से, पूरे यस सर, डेडिकेशन से। जो डिसाइड किया है वो फॉलो करना इम्पोर्टेंट है सर, वरना प्लानिंग का फिर कोई मीनिंग नहीं रह जाता सर, मीनिंग नहीं रह जाता है। तो पहली तो बात है कि एग्जीक्यूट करना जो भी आपने प्लान किया हुआ है। सेकंड, दूसरा सर कि टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ईयर में 2 ही बार एग्जाम होता है, उसमें आपको फर्स्ट में या सेकंड में जब भी क्वालिफाई होता है तो इतना टाइम नहीं होता सर कि दूसरी चीजों पर भी ध्यान दे सके, तो अपना सिलेबस कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, बिफोर 2 मंथ हो जाना चाहिए, देन आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा सर, तो टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट सर, सिर्फ प्रेपरेशन में नहीं बल्कि प्रैक्टिस भी करना जरूरी है सर, इवन जो पेपर होते हैं सर कि आपको लगा के देखना चाहिए कि कितने टाइम में मैं सॉल्व कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही हूँ, हो सकता है वहां पेपर छूट जाए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी लेकिन उससे पेपर खराब भी हो सकता है सर, तो टाइम मतलब कि मैनेजमेंट। पूरा पेपर है वो आपको एग्जामिनेशन के पहले आपको कुछ पेपर्स जो हैं वो सॉल्व करने चाहिए कि आप इतने घंटे के अंदर आप पूरा पेपर कर लें, जिससे कि जो टाइम का मैनेजमेंट है वो आपको खुद भी पता चल जाए कि यार आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो पूरा पेपर की नहीं, यस सर। है ना सर? थर्ड, थर्ड है सर इम्पोर्टेंट सोर्सेज जो होते हैं, और अब तो ये इम्पोर्टेंट हो गया है सर, और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूट्यूब वगैरह से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन सोर्सेज जो होते हैं दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं सर, और किसको रिफर करना है, कहाँ से रिफर करना है, कितना किस बुक को डीप में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ये सोर्सेज का जो क्लासिफिकेशन है सर वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे टाइम भी बचता है सर, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए लेक्चर्स देख सकते हैं या फिर जो बुक्स हैं उनको रेफर कर सकते हैं सर, तो सोर्सेस को एग्जैक्टली डिफाइन करना कि हाँ मुझे इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा मैं कोई दूसरा सोर्स रेफर नहीं करूंगी, क्योंकि इन्हीं में बार बार रिविजन करके भी पॉसिबल हो जाता है सर कि एग्जाम क्रैक हो जाए। क्रैक हो जाए। सोर्सेस लिमिटेड होने चाहिए, बहुत ज्यादा वाइड नहीं होना चाहिए, है ना साक्षी? उसी पे यस आपको अपनी मास्टरी करनी चाहिए। सही। तो कौन सी बुक्स थी जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि यार पेड क्लास के साथ ये बुक्स भी पढ़नी चाहिए? सर, पेड क्लास के साथ में तो सबसे पहले आपकी बुक जो पियर्सन पब्लिकेशन की है वो मैंने रेफर की थी, और उसको अच्छा। रेगुलरली आपके लेक्चर्स देखते समय भी मैं रेफर करती थी, अगर मैं नोट्स नहीं बना पा रही हूँ तो बुक्स में हाँ लिखा है तो उसको देख लेने, और फिर उस टाइम पे उस बुक को मैंने रेफर किया सर, और उसको बाद में शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज भी किया सर। अच्छा, सेकेंड मैंने थिंकर्स के लिए रिट्जर और बीके नागला भी रेफर किया ओके, था सर, यस, उनके भी कुछ सिलेक्टेड जो थिंकर्स सिलेबस में हैं उनको रिफर करके वहां से भी रीड किया है सर,
और जो टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे हैं या फिर थोड़ा टाइम ज्यादा है सर, तो इग्नू का मटेरियल रिफर कर सकते हैं सर, बिकॉज इग्नू का मटेरियल थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो हमेशा उसको हर टॉपिक के लिए रिफर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। तो ये दो तीन बुक्स सर और इग्नू का मटेरियल ये मैंने रेफर किया सर। आपके नोट्स बनाए सर डेली जो आपने लेक्चर्स में बताए थे, उनको मैंने पहले तो मतलब डिस्क्रिप्शन लंबे वाले नोट्स बनाए और उसके बाद में उन्हीं के बार बार रिवीजन करके शॉर्ट नोट्स बनाए सर। यस, थैंक यू साक्षी कि आपने इतना कुछ इंफॉर्मेशन दिया। मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे उनको बहुत सारी चीजें पता चली होंगी आज, है ना, क्योंकि साक्षी मुझे देख के ही पता चल रहा है और ये इंटरव्यू सुनकर ही पता चल रहा है कि साक्षी ने कुछ छिपाया नहीं। साक्षी एक ऐसी पर्सनैलिटी है, एक ऐसी लड़की है, जो उसने सीखा है ना वो सारी चीजें उसने बता दी। मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, ये साक्षी की पर्सनैलिटी है, ये पॉजिटिव चीज है साक्षी, ये बहुत पॉजिटिव चीज है। और क्योंकि आप टीचिंग लाइन में है, ये आपके बहुत काम आएगी और इसको बनाए रखिएगा। जो भी जी आपके जी पास ज्ञान है उसको खुले दिल से आप जब बांटते हैं ना तो वो बढ़ता है जी ना साक्षी। बिल्कुल थैंक यू सर, साक्षी कि आप इस प्लेटफॉर्म पर आए, और मैं समझता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स को इससे बहुत 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 फायदा पहुंचा होगा। और स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी इस चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। पूरी टेक्स्ट बुक की टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं साक्षी, आप बहुत सारी अपनी सफलताएं प्राप्त करें, जो भी आपने सपना देखा है वो सारे ड्रीम्स आपके पूरे हों, ऐसी पूरी टेक्स्ट बुक की टीम जो है वो कामना करती है। थैंक यू साक्षी, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। थैंक यू साक्षी।